हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, ये मेरा एक और ग्रो बैग जो मैंने मोबाइल नर्सरी से कलेक्ट किया था। ये दो ग्रो बैग थे, इससे प्रीवियस वाले में भी पूरा जो ये सॉइल रेडी हुआ था ये वही था जो मैंने अपने किचन वेस्ट कंपोस्ट से और ड्राई लीव से और सूखे नीम के खूब सारे पत्तों से बनाया हुआ था। तो नीम कली की जो सब्स्टिट्यूट था वो मैंने उसी की तरह इसे यूज़ किया था। ये वो मनी प्लांट है जो मैंने वाटर प्रोपगेशन किया था, जो मुझे ये मिली थी कहीं से। ये सारे ही स्टेम्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि मैंने पानी में प्रोपगेट किए थे। कुछ में एरियल रूट्स थे और कुछ में एरियल रूट्स नहीं थे। जिनमें नहीं थे उनमें भी रूटिंग हो चुकी है। ये DIY मैंने अपना एक मॉस्टिक बनाया था जो वेजिटेबल वाले से मैंने लिया था और ये घर पे ही रखा हुआ एक डमी था एज ए सपोर्ट के लिए। अभी टेम्प्रेरी इसको मैं यूज़ में लेने वाली हूँ। ये पूरे ग्रो बैग के अंदर मेरे किचन वेस्ट से निकला हुआ सारा सामान और गोबर की खाद, थोड़ी सी मिंगी जिसे हम कहते हैं गॉट मैन्योर, बस यही सब मिला है। मिट्टी इसमें अप्रॉक्सी 5% ही है। वो वीडियो जिसमें मैंने प्रीवियस ग्रो बैग के अंदर अपने मैक्सिकन पटूनिया लगाया था और ये मेरा ग्रो बैग, प्रोसेस इसका सेम था। ये 2 मंथ से लेकर 2.5 मंथ तक ग्रो बैग मेरा एज इट इज़ रहा और अभी आप देखो मैं हाथ डाल रही हूँ तो कितना नीचे तक दब के जा रहा है। इतना लाइट वेटेड है बिकॉज इसके अंदर मैंने नीचे जो थे अपने थोड़े से ब्राउन जो गत्ते वगैरह होते हैं थोड़े से वो और न्यूज़पेपर डाले थे। ये थोड़ी सी बजरी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बिकॉज इसमें बजरी का कोई कंपाउंड नहीं है। ये इतनी सॉफ्ट लाइट वेटेड सॉइल मेरा बन के जो रेडी हुआ है फुल ऑन। इसके अंदर जो है आपको हर चीज़ मिलेगी। किचन वेस्ट सारा इसके अंदर डीकम्पोज हो चुका है, बहुत अच्छी तरह डीकम्पोज हो चुका है। ड्राई लीव्स हो चुके हैं और मुझे बहुत सारे, पास में एक नीम का पेड़ मेरे कट हुआ था यहीं पे, तो जितने भी नीम के लीव्स थे वो मैं निकाल लाई थी तो वो पूरे मैंने इसमें डाल दिए थे और सब कुछ डीकम्पोज होकर ये ऊपर तक भरा हुआ था। डीकम्पोज होकर देखिए ये 4 इंच नीचे तक पहुँच गया और अभी भी इसमें इतनी स्पेस है कि मैं इजीली इसको और अभी फिल कर सकती हूँ। मैंने इसलिए बजरी का कंपाउंड थोड़ा सा रखा ताकि थोड़ी सी और सॉफ्ट रहे, वैसे ऑलरेडी ये बहुत सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा और इसमें हो जाए। और जितनी भी मेरे ये बिग लीव मनी प्लांट जिनमें रूटिंग हो चुकी थी इन्हें अच्छे से होल बना के सॉइल के अंदर ये सारा रूटिंग वाला जो पार्ट है वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये बहुत इजी गोइंग तरीका है, आप अपने घरों से निकलने वाला जो भी किचन वेस्ट है प्लीज़ उसे सड़कों तक ना जाने दें। अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत लश ग्रीन, उनमें ग्लो आ जाता है प्लांट्स के अंदर, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप अपने घर में कर सकते हैं। ये ग्रो बैग मुझे मोबाइल नर्सरी से मिल गए थे, जिन भी पर्सन ने ये प्लांट्स बाय किए थे वो ग्रो बैग वहीं छोड़ गए थे ये वाले, तो मैं वहाँ से ले आई थी। मैंने इनमें भी अपना कंपोस्ट बनाया है और एक जो मेरे आटे का ग्रो बैग निकला है उसमें भी मैंने 3 में बनाया हुआ है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर प्रॉपर मेरा वीडियो भी हो चुका है उसमें भी। ये प्रोसेस स्टेप टू स्टेप जो है मेरा रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो अभी भी मैं इसको जितना प्रेस कर रही हूँ ना ये उतना नीचे जा रहा है, मतलब इसकी जो डीकम्पोजिशन है वो इतनी अच्छी हो चुकी है और मेरे को जो रिज़ल्ट मिले ना, मैंने प्रीवियस जो अपना मनी प्लांट जो बिग लीव मनी प्लांट की जो स्टेप मुझे मिले थे वो भी मैंने सेम ही उसमें ग्रो किए और बाय गॉड उनकी जो ग्रोथ है वो ज़बरदस्त चल रही है। तो ये एक्सपीरियंस खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ हाँ ये हो रहा है तो प्लीज़ इसे करिए। जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, अगर आप कंपोस्ट रेडी कर रहे हैं उसमें थोड़ा पानी, वाटर लेवल आपका थोड़ा बढ़ गया है, बिकॉज़ जब भी सब्जियाँ आपकी डीकम्पोज होने लगती हैं तो उनमें से वाटर रिलीज होता है, तो आप उसके अंदर थोड़े से ड्राई लीव मिला दीजिए, सूखा कंपाउंड जो है उसे आप बढ़ा सकते हैं, ड्राई लीव मिला दीजिए या फिर वुडन ऐश होती है आसपास अजमेर में बहुत जगह लकड़ी का काम होता रहता है, तो जो भी कोई वहाँ पे घिसाई के ड्यूरेशन में जो वुडन निकलती है, बारीक वुड निकलती है, उसको आप अपने कंपोस्ट में मिला सकते हैं, तो वो आपका पानी जो है कंपोस्ट का सारा सॉक कर लेगा और धीरे धीरे वो भी उसमें कंपोस्ट जो है आपका बनेगा, उसके अंदर वो भी डीकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ नहीं होगा, अगर आप नारियल के छिलके आपके पास रखें तो वो भी आप अपने डीकम्पोजिशन जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर आप उसको भी मिला सकते हैं, बट उन्हें शर्त है कि आपको बारीक बारीक काटना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगती है, उनके छोटे छोटे आपको पीसेस करने पड़ेंगे, वो भी आप अपने इसके अंदर मिला सकते हैं। मतलब घर से किचन से निकलने वाला सारा कच्चा सामान, इसमें कुछ भी आपका पका हुआ फूड आप नहीं डालें,
ये आपका बहुत अच्छा बन के रेडी होता है, आपको सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इस पूरे प्रोसेस में मैंने 2 या 3 मुट्ठी ही सॉइल डाला था एक लेयर उसके ऊपर कवर करने के लिए। अदरवाइज़ इसमें गोबर की खाद, गॉट मैंने और बहुत अच्छे उसमें है। जब भी लेयर को फिनिश किया मैंने किचन वेस्ट वाले को, ड्राई लीव वाले को, तो जो काउडम था वही डाला और जो गॉट मैन्योर था वही डाला, उसके अलावा और मैंने इसमें कुछ भी नहीं है। और अभी रिप्रेजेंट मैंने इसके अंदर आपके सामने बजरी डाली है। इस तरीके से ये मेरा पूरा पॉट रेडी हो गया है। आप भी रेडी करें। हैप्पी गार्डनिंग।